from the age of 16, 16, I have started reciting, chanting. My earlier worship was with the Navkar Mantra, then Om Mani Padme, and Sri Suktam. I got in touch with a Siddham who used to be a versatile master of Sri Sukta. His only worship was Sri Suktam. He had Sri Yantra and he gave many people Sri Yantras. Whoever he gave Sri Yantra or written Sri Suktam, those people prospered. I have seen it. He had given me, but I don't know where I put. So I was a lazy one. But invariably, I recited Sri Sukta. सिद्ध मिले तो साधिक निपजे जब घटी होय उजाला को घट सुना को घट जागे। ये गौरव की वाणी है, ये भी मेरा प्रिय गान रहा। तो सिद्ध मिले तो साधिक निपजे, सिद्धि कौन देता है? सिद्धि लक्ष्मी। आपको कहीं पे भी सिद्धि लक्ष्मी पे साहित्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरल नहीं है, वो उग्र में से उग्र रूप है। सिद्धि लक्ष्मी को आप लक्ष्मी भी मत मानिए, सिद्ध लक्ष्मी भी मत मानिए, लक्ष्मी सिद्धि भी मत मानिए, वो कुछ अलग ही है। अब क्या है हम नहीं जानते। 2018 में मेरे गुरु ने कुछ लिखा है और आज 2024 है। इतने साल तक वो पुस्तक के पन्ने मेरे पास रहे, कभी पलटा ही नहीं, कभी रिसाइट ही नहीं किया। लक्ष्मी की शोध में सीधी लक्ष्मी तक पहुंच गए। और मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कहता। वही पूर्णचंडी है, श्री सिद्धि लक्ष्मी भगवान शिव को प्रतिष्ठित है। उनका मंदिर जो है भक्तापुर में न्यातपोल मंदिर कहलाता है। और आप चित्र में देखेंगे सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे मंदिर के संरक्षकों की पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। उसके बाद की सीढ़ियों पर अश्व, गंडक, ग्रिफिन और उष्ट्रों की मूर्तियां हैं। और नीचे मल्ल योद्धा जयमल और फट्टू की मूर्तियां भी हैं। और जो मंदिर है बहुमंजिला है, उसमें देवी का जो विग्रह है लोग नहीं देख सकते। उसकी जो दीक्षा प्राप्त पुजारी हैं वही पूजा कर लेते हैं। बहुत ही उग्र है, बहुत ही उग्र है। और आप मंदिर की छत पे, परकोटक पे बहुत सारी मूर्तियाँ देखूंगी। सिद्धि लक्ष्मी के शांत सौम्य स्वरूप में चिन्हों भी देखोगे। पौष मास के दौरान पराम्बा की पूजा पूर्णचंडी के रूप में की जाती है और भाद्रपद के महीने में उनका श्री सिद्धि लक्ष्मी के रूप में आह्वान किया जाता है। भगवती श्री सिद्धि लक्ष्मी की जयंती को साकंभरी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
आप दूसरा चित्र भी देख लीजिए, जिसमें बहुत कुछ है। मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। जब भी आप नेपाल जाए तो देवी के मंदिर को आए। हाँ, मैं एक चीज जानता हूँ कि ये बहुत ही उग्र देवी है, सिद्धि देती हैं और सामान्य साधकों को, सामान्य लोगों को इनके, उनकी आज्ञा के बिना, अपने गुरु की आज्ञा के बिना इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। बस बाकी तो सिद्धि लक्ष्मी जानती हैं, बस इतना ही। ओ मैं म्रीम श्रीम क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्मी सहित महागणपति नमः। मैं जब 20-21 साल का था, तब हमारे परिवार के साथ हम लोगों ने नेपाल की यात्रा की है और भक्तापुर में भी गया हूँ। सब लोग पहाड़ घूमने गए और मैं बोला मैं यहीं रहूँगा, और पूरा का पूरा भक्तापुर देखा और घूमता रहा सारा दिन, पैदल घूमता रहा और अकेला ही था। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ दर्शन किए और उसमें कुमारी देवी ने अपनी खिड़की खोल के मुझे दर्शन दे दिए, बस स्प्लिट ऑफ सेकंड। और मुझे नहीं पता था उस समय कि वो कुमारी देवी है, लेकिन मैंने प्रणाम कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहीं चौक में भी बैठा था। तब मुझे नहीं पता था क्या मंदिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही दर्शन किए, सब घूमा। और मैं सोच रहा था कि शादी तो करनी है, यहीं करनी है और देवी से ही करनी है। अब इतने साल हो गए, देवी जैसे क्या बोले बच्चू, मुझे प्रणति किया है तो आप भुगत मेरे साथ ही रहें, इतने सालों से साधना ही करवा रही है, देखते हैं कब वो पूर्णता देगी, कब वो कंप्लीशन देगी, कब अपना साथ देगी। बस यही होता है और क्या कहें।